पहला पहला टाइप है क्वेश्चन, सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड, ठीक है। इसका बनाना हमको सिंपली शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बट उससे पहले क्या क्या करना होगा हमको, कोई बोलेगा, कोई बताएगा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, सपोर्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद रिएक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी, रिएक्शन अप्लाई करना होगा, उसके बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करना होगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन और अननोन फाइंड करना होगा, रिएक्शन फाइंड करना होगा, उसके बाद हम लोग बना सकते हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो ये है पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, बी दिस इज सी, ठीक है। 5 kN का फोर्स लग रहा है एकदम बीचों बीच में। पहला क्या काम है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। कौन बताएगा इधर क्या आएगा, क्यों कौन कौन सा रिएक्शन आएगा? चलिए कोई भी बता सकता है, बताइए। ए पे वर्टिकल रिएक्शन होगा या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा? वर्टिकल और वर्टिकल होगा सर, RAY, सिर्फ RAY, RAY वर्टिकल होगा सर ओनली। क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं तो आएगा ही नहीं, है तो सिंपली सपोर्टेड, ये पॉइंट है होगा तो RAX भी, लेकिन फोर्स लग ही नहीं रहा है तो क्यों दिखाएं, ठीक है। टाइम नहीं हमारे पास, क्यों दिखाएं, टाइम वेस्ट क्यों करें अपना। यहाँ पे भी दोनों आएगा, दोनों आएगा, यहाँ तो आता ही एक है, RBY मोमेंट का रिएक्शन होगा क्या, सिंपली सपोर्टेड है, पिन पॉइंट है, मोमेंट का रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। yes. और क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है 5 kN, ठीक। ये तो बन गया फ्री बॉडी डायग्राम बहुत आसानी से। अब क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करना है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई कीजिए, बताइए जल्दी से, बताइए RAY और RBY कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। 5 क्यों है, डाउनवर्ड है, सो एक इक्वेशन बन गया ये। दूसरा इक्वेशन FAX वाला तो यूजलेस है क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा है ना ही रिएक्शन आ रहा है, तो समेशन ऑफ m a इक्वल्स टू 0, मोमेंट अबाउट पॉइंट a क्या होगा 0। अब इसका डिस्टेंस कितना है 5 kN का, ये कौन सा रोटेशन दे रहा है, क्लॉकवाइज, ये कौन सा रोटेशन देगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ही फोर्स है और a के अबाउट निकालना था, ये डिस्टेंस कितना है 5 kN के लिए, 5 × 3, और RBY के लिए कितना डिस्टेंस है, RBY एक फोर्स है मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 6। नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव बिकॉज़ एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव पॉइंट के बराबर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करोगे तो आधा आधा आ जाएगा, RAY इक्वल्स टू 2.5 एंड RBY इक्वल्स टू 2.5, ठीक है, दोनों आ जाएगा। अब आपको बनाना है सेम डायग्राम, बनाना है आपको क्वेश्चन डायग्राम विथ रिएक्शंस। तो रिएक्शन कितना है यहाँ पे 2.5, यहाँ पे फोर्स कितना है 5, यहाँ पे एक रिएक्शन है 2.5, ठीक है। अब बनाना हमको शियर फोर्स डायग्राम, अब देखिएगा ध्यान से क्योंकि अब हम नया चीज करने जा रहे हैं जो अभी तक नहीं किया। शियर फोर्स डायग्राम, दिस इज ए बी एंड सी, ए सी बी। आपको हमेशा देखिए, मैं तो देखो ये जो डायग्राम है या फ्री बॉडी डायग्राम आप वहीं पे बना सकते थे, लेकिन ये फिर से बना दोगे फोर्स की वैल्यू के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ।
और ये जो शियर फोर्स डायग्राम है जस्ट इसके नीचे बनेगा, जस्ट नीचे, मतलब ये जो लाइन है ऐसे सी पे मैच करनी चाहिए, जस्ट इसके नीचे, ठीक है, एकदम जस्ट नीचे। क्वेश्चन डायग्राम भी, फ्री बॉडी डायग्राम जस्ट एक दूसरे के ऊपर होंगे, फ्री बॉडी डायग्राम इसके ऊपर होगा आपके, आपको जो अपनी कॉपी यूज कर रहे हो उसका आधा पार्ट यूज करना है इधर डायग्राम के लिए, राइट साइड यूज करना सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, मैं पहले भी बता चुका था ये, ठीक है। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए आपको दिख रहा होगा कि दो पोर्शन में बट गया है ये बीम, एक एसी और एक सीबी बट गया है ना, सीबी। तो अब बनाएंगे ये टेबल, हमें हमारे पास कितना पोर्शन है, दो पोर्शन है, एसी और सीबी, एसी और सीबी, ठीक है। अब पोर्शंस का इक्वेशन लेना होगा, एसी का इक्वेशन अलग होगा शियर फोर्स के लिए और सीबी पोर्शन के लिए, शियर फोर्स के लिए इक्वेशन अलग होगा। अभी इस क्वेश्चन में हो सकता है सेम हो जाए, लेकिन हमेशा अलग लिए अलग ये बनाना है, ठीक है। जितने पोर्शन होंगे उतनी इक्वेशंस आएंगी, उतनी अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ये वैल्यूज है हर एक पॉइंट्स पे, हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, ए सी और बी, ठीक है, तीन पॉइंट्स हैं, तो तीनों पॉइंट्स पे वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब ये देखो सी जो पॉइंट है वो दोनों में आ रहा है, आ रहा है ना, इस पोर्शन में भी सी एक बार आ रहा है और इस पोर्शन में भी सी एक बार आ रहा है, इसका मतलब सी पे दो वैल्यू आ सकती हैं अलग अलग। कोई कोई वैल्यू है वाई की वैल्यू, एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, एक बार 10 आ रही है, एक बार 5 आ रही है। तो ये जो अगर ग्राफ मान लो ऐसा बन रहा है और यहाँ पे 5 था और उसी पे सी भी, सी पे ही उसी पॉइंट पे इस एक्स वैल्यू पे ही वैल्यू 5 भी है, तो इसको क्या करेंगे, जस्ट मैच करा देंगे, नीचे गिर गया ये, ठीक है। इसके बाद कर्व हो सकता है ऐसे बन जाए, ठीक है। तो इसका मतलब जो सी पॉइंट है वो बहुत ही क्रूशियल है, दोनों में लाइज करता है ये, तो इस पे हो सकता है वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है सेम भी हो। तो यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो होगी, एक वैल्यू होगी ए पे, एक होगा सी पे, फिर सी बी के लिए एक होगा वैल्यू सी पे और एक होगा वैल्यू बी पे, ठीक है। पहले की पहले तो इक्वेशन पता होना चाहिए ना, तभी तो एक्स की वैल्यू रखते जाओगे ए पे, एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। एक्स हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जीरो है, उसके बाद ये लेंथ है, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे सी पे कितनी है, 3 है। एक्स की वैल्यू बी पे कितनी है, 6। लेकिन इक्वेशन निकालना पड़ेगा ना शियर फोर्स का, तभी तो उसमें एक्स की वैल्यू रखोगे, ठीक है। तो इक्वेशन निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला, जनरल इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमको, उसके लिए ये जो 2.5 है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2.5, ठीक है, समझ आ रहा है ना ये फोर्स। अब हमको क्या करना है, सेक्शन लेना है, जितने पोर्शन है उतने सेक्शन लेने हैं, एक्स एक्स कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन ले लिया। अब आप देखेंगे, मैंने बताया था ये साइन कन्वेंशन याद है आपको, साइन कन्वेंशन, सेक्शन के लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे पॉजिटिव, ये ऐसे पॉजिटिव, और सेक्शन के ऐसे होगा अगर तो नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन है सिंपल सा, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये वैल्यू लिखते जाएंगे, जो मैंने बोला था इक्वेशन लिखना है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा किसका बनेगा, या तो ऐसे लिख लो वी एक्स एक्स का, या फिर एस एफ एक्स एक्स, शियर फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन, उसका इक्वेशन आएगा एसी पोर्शन के लिए। एसी पोर्शन में सेक्शन लिया हूं मैं, ठीक है, या तो लेफ्ट साइड का ले लो या फिर राइट साइड का ले लो, तो लेफ्ट साइड का लें या राइट साइड का लें, लेफ्ट लेफ्ट, क्योंकि एक ही फोर्स है, इधर दो फोर्स है, क्यों ज्यादा लिखे हम, हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड का लेंगे। तो लेफ्ट साइड का आप देख रहे हो इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ये इसके रिस्पेक्ट, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस सेक्शन के रिस्पेक्ट में 2.55 क्या है, ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है, तो लेफ्ट साइड में ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव 2.5, और कोई है, और कुछ है नहीं है, यही इसका इक्वेशन हो जाएगा, यही इसका इक्वेशन हो जाएगा SFX x equals to 2.5। CB पोर्शन के लिए एक और सेक्शन लेंगे यहाँ पे, ये भी x x ही होगा, अब ये डिस्टेंस x वाला यहाँ तक हो जाएगा। अब राइट साइड में लें या लेफ्ट साइड में लें, राइट साइड में, इसके राइट साइड में है, ये कितना है 2.5 है, राइट साइड में अपवर्ड क्या होता है,
माइनस माइनस टू पॉइंट फाइव ठीक है। अब ये फंक्शन जो बन रहा है एक्स पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये कॉन्स्टेंट है फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो एक्स की वैल्यू चाहे कितनी भी रख दो ए पे क्या होगा वैल्यू 2.5 2.5 सी पे कितना होगा इस पोर्शन के लिए, एसी पोर्शन के लिए 2.5 ही होगा, ए और सी इस पॉइंट के लिए एसी पोर्शन के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा ठीक है, सी बी पोर्शन के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा -2.5 सी पे ही वैल्यू 2.5 होगी एक बार जब वो सी बी पोर्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, और बी पे कितना होगा -2.5 होगा ठीक है -2.5 होगा। एक्स तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे वहां पे जीरो होगा, एक्स ऐसे लेते हैं हम लोग एक्स ठीक है। अब शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, ये बताओ ए पे कितना है 2.5 और कोई बोलेगा 2.5 अब हमको ग्राफ बनाना है, यहाँ पे y एक्सिस में शियर फोर्स है और x एक्सिस में x है ठीक है, ग्राफ बनाना है हमको, तो पॉइंट ए पे कितना है 2.5 सपोज इतना 2.5 है, ये हाइट जो है 2.5 की है, आप लोग ग्राफ पेपर यूज कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे होंगे, ये पॉइंट है 2.5 अच्छा इसको मैं मान लेता हूँ 1 इसको 2 इसको 3 ये है 4 सीक्वेंस है ठीक है, एक को दो से मिलाएंगे, दो को तीन से, तीन को चार से, यहाँ पे मिला है 1 ठीक है, दूसरा कितने पे है सी, सी पे कितना है 2.5 अब एक एक करके मिलाते जाएंगे, 1 से 2 मिलाना है तो कैसे चले, ऐसे जाएं ऊपर ऊपर, अब बताइएगा आप लोग ये ऐसे जाएं कि ऐसे जाएं सीधा जाएं, सीधा जाएंगे किधर भी जा सकते हैं, वाह सीधा जाएंगे ना, सीधा जाएंगे सीधा सीधा मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन कौन बताएगा, क्या बताएगा, नहीं अभी पूछ रहा हूँ मैं, कौन बताएगा ये किसी एक्स का फंक्शन ही नहीं है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन कल ही बताया था मैं, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल कॉन्स्टेंट विद जीरो स्लोप होगा, कौन सा सही है, स्ट्रेट लाइन ये ऐसे मिलेगा ठीक है। अब आपको देख रहा होगा 2 से 3 सीधा जाना है, सीधा जाओगे स्ट्रेट लाइन क्योंकि उसी पे वैल्यू -2.5 भी है, उसी पे वैल्यू 2.5 भी है, सीधा जाएंगे ऐसे स्ट्रेट नीचे ठीक है। 3 से 4 फिर से पता चल रहा है कि एसी जो ये पोर्शन है सी बी पोर्शन है उसमें भी फंक्शन क्या है कांस्टेंट है 2.5 है, तो सीधा चलेंगे मिलाना है दोनों को, लेकिन देखना भी है कि कैसे मिलाना है दोनों को, उसके बाद ये एंड कर देना है बी से 4 ठीक है, ये बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, एक बार शियर फोर्स क्या हो रहा है पॉजिटिव, एक बार क्या हो रहा है नेगेटिव, नेगेटिव ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखिए हम लोग जो कल देख रहे थे वो अभी वो नहीं देख पाएंगे हम लोग, जो कि मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है ये कैसे हो रहा है, ये देखो फास्ट इसका जो बहुत ही आसान तरीका है बिना ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाए कैसे जल्दी से जल्दी बना सकते हैं ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा बाद में ट्रिक, लेकिन ये पूरा मेथड है, हो गया शियर फोर्स डायग्राम नोट कर लिया क्या, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो आप लोग, हो गया सर हो गया यस सर समझ में आना चाहिए ज्यादा ज्यादा क्योंकि लिख नहीं पा रहे होगे ज्यादा अभी ठीक है
टाइम कन्वर्जन याद है? चलिए अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं. क्वेश्चन डायग्राम विथ रिएक्शन, बताइए क्या था ये? यहाँ पे कितना था? 2.5. यहाँ पे कितना था? 5. और ये कितना था? 2.5. और ये है A, this is B and this is C. C. Here force diagram वाला कैसे बना है? 2.5 ऊपर गए थे, फिर इधर सीधा चले थे, फिर 2.5 नीचे, फिर और ऊपर नीचे, फिर ऐसे. This is A, B, C. ये height कितनी थी? 2.5 की. ये height कितनी थी? -2.5 की. ठीक है, ये positive, ये negative. ठीक है, अब बनाएंगे हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का साइन कन्वेंशन क्या है? सेक्शन के अगर लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज है, सेक्शन के अगर राइट साइड में अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव होगा. सेक्शन के अगर लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज है, सेक्शन के अगर राइट साइड में क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा. ये साइन कन्वेंशन इसका. ठीक है, पोर्शन कौन कौन से हैं? एसी और सीबी. इक्वेशन बताएंगे हम लोग बेंडिंग मोमेंट का. इक्वेशन बताएंगे बेंडिंग मोमेंट में सिंपल सा है, उसमें फोर्स लिए थे, इसमें क्या लेना होगा? बेंडिंग मोमेंट. मतलब जो इक्वेशन होगा वो होगा एम एक्स एक्स का फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेक्शन से. ठीक है, सिंपल सा है ये. उसमें भी वही करना है, इसमें भी वही करना है. साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना है, बस मोमेंट होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. चलिए एक सेक्शन में फिर से ले रहा हूँ. यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे? एक्स. ये सेक्शन है एक्स एक्स. अब बताओ लेफ्ट साइड में लिया जाए या राइट साइड में? लेफ्ट. लेफ्ट में कितना फोर्स है? 2.5 का. कि क्या रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज पॉजिटिव. तो क्लॉकवाइज लेगा तो पॉजिटिव. लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव. कितना मोमेंट आएगा? मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? फोर्स कितना है? 2.5. यहां से देखना और डिस्टेंस कितना है उसका 2.5 का? x. 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 तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई एक्स. ठीक है, क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव. और कोई है? और कोई नहीं है लेफ्ट साइड में. सीबी में बताइए. सीबी में, सीबी में लिया हमने सेक्शन एक्स एक्स फ्रॉम द लेफ्ट राइट साइड. राइट साइड वाले ले लें आप. राइट साइड वाले लेना. राइट साइड में क्लॉकवाइज क्या होता है? राइट साइड पॉजिटिव. तो ये भी 2.5x हो जाएगा. कितना डिस्टेंस है ये इस फोर्स का? टोटल लेंथ कितना था? 6. ये कितना है? 6x. 6x. कितना डिस्टेंस है? 6 माइनस एक्स. ठीक है, यस. पॉइंट है इस पे ए सी सी और बी. अब बताओ x इक्वल्स टू 0 पे ये जो फॉर्मूला है ये कितने पोर्शन, कितने पार्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? कितने पार्ट में अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ एसी में. ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ किस में अप्लाई कर सकते हैं? सीबी में. ठीक है, अब ये बताओ x इक्वल्स टू ए के लिए x कितना है? x की वैल्यू क्या है? 0. c के लिए x की वैल्यू क्या है? c के लिए x की वैल्यू क्या है? 3.5. x इक्वल्स टू 3 है. फिर से c के लिए मेरी x की वैल्यू क्या है? 3 है. x की वैल्यू क्या है? 6 है. ठीक है, दो चलो अटेंडेंस दे दो. हो गया अटेंडेंस. चलिए हो गया. अब देखो, अब हमको देखना है कि पॉइंट बनाने हैं हमको ए पे निकालने के लिए. ए पे आ रहा है वैल्यू x = 0 रखेंगे इसमें तो कितना होगा?
मोमेंट की वैल्यू जीरो जीरो और ये पॉइंट ए है दिस इज ए दिस इज सी दिस इज बी पॉइंट ए पे वैल्यू है तो एम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो ठीक है एम सी सी पर वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या है थ्री है थ्री इंटू टू पॉइंट फाइव कितना होगा ध्यान रहे यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे किलो न्यूटन मीटर होगा ठीक है यहाँ पे फिर से एम सी की वैल्यू एक्स इक्वल टू थ्री रखो इसमें बी पर एम बी जीरो जीरो ठीक है जीरो आ रही है ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ वन दिस इज टू दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर ठीक है वन कहाँ पे है जीरो है हाइट बताना बस हाइट टू कहाँ है 7.5 7.5 मैं ये हाइट मान लेता हूँ 7.5 ठीक है दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट भी इसी पे लाई कर रहा है 7.5 पे माइनस 7.5 नहीं है 7.5 ही है थ्री भी उतनी पे ही है टू भी उतनी पे ही है ये है वन और फोर जीरो अब क्या करेंगे सबको मिला देंगे मिलाएंगे लेकिन उससे पहले देखना पड़ेगा इक्वेशन कैसा है कैसे जाएंगे मिलाने के लिए किस तरह से मिलाना है इनको हाँ जी सर ये बी पॉइंट पे ये जो एम बी मूवमेंट निकाला अपन ने ये जीरो कैसा है एक्स की जगह पे क्या रखोगे इसके लिए सिक्स तो सिक्स माइनस सिक्स क्या होता है सिक्स माइनस सिक्स सिक्स होता है सर अच्छा हाँ ठीक है सर ठीक जीरो मल्टीप्लाई बाय 2.5 जीरो हो गया ना हाँ हाँ ठीक है अब वन को मिलाएंगे टू से टू को मिलाएंगे थ्री से थ्री को मिलाएंगे फोर से लेकिन हमको देखना है कि कैसे जाना है वन से टू कैसे जाएंगे ये क्या है कौन बताएगा बताएगा नहीं कौन बताएगा मैं बताऊंगा सर बताओ अमन सर स्ट्रेट लाइन वन से टू स्ट्रेट लाइन जाएगा हॉरिजॉन्टल ये लीनियर इक्वेशन का है लीनियर इक्वेशन है कल ही चला था हम लोग y = mx + c जैसा फॉर्मेट है ठीक है ये कौन सा इक्वेशन है ये भी लीनियर है सर यस स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट है ये भी स्ट्रेट लाइन ठीक है दोनों स्ट्रेट लाइन है तो 1 से 2 स्ट्रेट लाइन और 2 और 3 एक ही पॉइंट पे हैं तो वहीं पर आएगा कि घूम के आएगा कहीं घूम के आएगा कहीं से कुछ टाइम भी दे दिए उसको घूमने के लिए थ्री से फोर ये फोर है स्ट्रेट लाइन सर ये बताओ बेंडिंग मोमेंट हर जगह क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है यस सर पॉजिटिव है ना हर जगह पॉजिटिव अब ध्यान से देखिए जो कल हम लोग पढ़े थे स्लोप और मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट उसमें हम लोगों ने क्या देखा था यहां से देखो ए से सी में शियर फोर्स क्या है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में क्या रिलेशन है बेंडिंग मोमेंट dm by dx equal to शियर फोर्स होता है ठीक है मतलब ये जो शियर फोर्स आया है इसके डिफरेंशिएशन से आया है ठीक है या फिर उल्टा बोले इसका ये जो इसकी जो वैल्यू है ये क्या है पॉजिटिव है और कांस्टेंट है ठीक है शियर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव और कांस्टेंट है तो इसके स्लोप की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव और कांस्टेंट इसका स्लोप कौन है शियर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव और कांस्टेंट है पॉजिटिव और कांस्टेंट है कि नहीं ये कि हॉरिजॉन्टल लाइन है और पॉजिटिव यहां पे जैसे सी में तो जो बेंडिंग मोमेंट क्या है एक्चुअली सॉरी ये क्या है इसका जो स्लोप होगा इसका स्लोप कौन है ये एंगल बेंडिंग मोमेंट का ये क्या है dm / dx है तो dm / dx देखोगे तो देखने के लिए किसमें देखेंगे इसमें bmd में देखेंगे ना dm / dx dm by dx इस पे थोड़ी देख लेंगे
ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या है, डीएम बाई डी एक्स की वैल्यू है, ये क्या है डीएम बाई डी एक्स की वैल्यू है इसका, अब मैं पता नहीं समझ पा रहे हो नहीं तुम लोग, यहाँ पे देखो ध्यान से, डीएम बाई डी एक्स यहाँ पे जो स्लोप है कॉन्स्टेंट है और पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव किसको बोले थे हम लोग, इसको ऐसे बनेगा तो नेगेटिव है, अब यहाँ पे देखो सीएफ का वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है बट नेगेटिव है, यहाँ देखो ये भी कॉन्स्टेंट है, हर जगह स्लोप कॉन्स्टेंट है और नेगेटिव है, इस डायरेक्शन बना रहे हैं लोग स्लोप, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये पॉजिटिव आएगा, पूरा बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आएगा, और मैं दो तीन इसमें और ट्रिक बताऊंगा आपको कि सिंपली सपोर्टेड बीम में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिक्स हैं, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जिससे आप लोग डायग्राम तुरंत बना सकते हो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी टेबल, लेकिन आरटीयू के आरटीयू में ये आपको करना पड़ेगा पूरा स्टेप वाइज, ठीक है। चलिए अब अटेंडेंस दे दीजिए, आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए, अच्छा एक सेकंड, ये अटेंडेंस ले लो, इसका फोटो ले लो, अटेंडेंस हो चुका है, ओके इसका फोटो लीजिए, और ज्वाइन करने से पहले फ्री वर्ड डायग्राम बनाओ, मेरे ज्वाइन करने से पहले, सेकंड टाइप क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम फॉर यूडीएस, सेकंड टाइप सेम बीम में लोडिंग चेंज हो गया है, कितना आया फ्री वायर डायग्राम के बाद, पहले तो बनाएंगे इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम बनाएंगे, बताया था मैंने यूडीएल यूवीएल और एसेंट्रिक लोडिंग के लिए पहले इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं कि कितना लोड टोटल अप्लाई हो रहा है यूडीएल की वजह से, यूडीएल कितने लेंथ का है, 6 मीटर का है, तो टोटल लोड कितना होगा इसका, 24 किलोमीटर, कहाँ पे अप्लाई होगा, सेंटर में 24 किलो न्यूटन 24 किलो न्यूटन सेंटर में, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रिएक्शन, आधा आधा हो जाएगा, एकदम 24 है और एकदम बीच में लग रहा है, तो आधा ये ले लेगा ले, आधा रिएक्शन ये ले लेगा, ये आप इक्वेशन से निकाल चुके हो गए, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पे आरे दिखाना था, आरे यहाँ पे यार, यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या दिखाते हैं, सपोर्ट्स दिखाते हैं ना, फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग सपोर्ट्स को हटाते हैं और रिएक्शन दिखाते हैं, दैट इज 12, दिस इज 24 12, कहाँ से आया ये, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, कौन सा इक्वेशन है, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, सो आर ए वाई प्लस आर बी वाई बी सी, सी ऐसे कोई पॉइंट नहीं है, बस हमारा टोटल लोड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, आर बी वाई इक्वल्स टू 24 होगा, -24 इक्वल्स टू 0 तो इक्वल्स टू 24, ये इक्वेशन नंबर 1 है, समेशन ऑफ एम अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्या निकल जाएगा, आर बी वाई मल्टीप्लाई बाई 6 -24 इंटू 3 इक्वल्स टू 0, तो आर बी वाई आ जाएगा यहाँ से 12, और आर वाई वहाँ पे पहले में रख देंगे तो आर ए वाई 12 आ जाएगा, ठीक है, अभी कोई मोमेंट रिएक्शन है नहीं क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ये होने के बाद टोर्शन डायग्राम बनाएंगे, टोर्शन डायग्राम तो वही होगा और उसके साथ रिएक्शंस होंगी, यहाँ पे रिएक्शन कितना है 12 और यहाँ पे रिएक्शन कितना है 12, ठीक है जी, हमारे पास पोर्शन एक ही है अभी,
मोशन एक ही है, दिख रहा है कि नहीं? ए से लेके बी तक, सी है ही नहीं, सी तो टोटल लोड यहाँ पे अप्लाई हो रहा था, बट एक्चुअल में तो प्रॉब्लम आ रहा ये वाला है ना, अदरवाइज ये तो पॉइंट लोड जैसा हो जाएगा अगर इसको मान लोगे तो, पहले इसको मान लोगे अगर क्वेश्चन तब तो ये तो पॉइंट लोड वाला क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन है क्या ये यूडीएल, एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है यूडीएल का है, तो रिएक्शन तो आएगा ही, यूडीएल रखो चाहे पॉइंट लोड रखो, ठीक है, तो ये 12 का है, ये 12 का है और ये 4 किलोन्यूटन पर मीटर का इसका लोड इंटेंसिटी है, पोर्शन क्या है ए बी, सिर्फ एक ही पोर्शन है ए बी, इक्वेशन भी एक ही बनेगा, वैल्यू दो आएंगी, एक ए के लिए आएगा और एक बी के लिए आएगा, चलिए बताइए क्या किया जाए, पहले सेक्शन लिया जाएगा कितने डिस्टेंस पे, अच्छा ये मैं फिर से गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट समझ जाते हैं बीच में ले रहे हैं हम लोग, बीच में नहीं है, एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे लेंगे, अब ये बताओ कितना लोड है इसमें, एक्स वाले में इतना ही लोड है बस, ठीक है, इसके अबाउट लेना है अब हमको सब कुछ, इक्वेशन जो भी है, अभी एक्स डिस्टेंस पे है तो एक्स डिस्टेंस के लिए यूडीएल की लोड कितनी होगी, टोटल लोड 4x, इंटेंसिटी कितनी है, एक मीटर में 4 किलोन्यूटन है फोर्स, तो एक्स मीटर में कितना होगा 4x, और कहां पे अप्लाई होगा वो, x बाई टू पे, इसके बीचों बीच में अप्लाई होगा 4x का, ठीक है, सेक्शन आपने यहाँ लिया, ध्यान दीजिए यहाँ पे सेक्शन लिया आपने, ठीक है, अब बताते हैं शियर फोर्स का इक्वेशन, शियर फोर्स के इक्वेशन में SF XX लिख देता हूँ मैं, SF XX equals to, या फिर VXX लिख लो equals to, अब आपको देखना है इस सेक्शन के लेफ्ट साइड, फिर से वही साइन कन्वेंशन है हमारे पास, ये पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, लेफ्ट साइड में ऊपर कौन है 12 है, नीचे कौन है 4x, ठीक है 4x है, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करोगे, ये फोर्स, हम फोर्स लिख रहे हैं हम लोग, शियर फोर्स, फोर्स में तो फोर्स की वैल्यू सिर्फ लिखनी है ना, 12 तो ऊपर है तो पॉजिटिव, 4x क्या है नीचे है, लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड इज नेगेटिव, लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड इज नेगेटिव माइनस 4x, ठीक है 4x समझ आ रहा, ए पर एक्स की वैल्यू क्या है, यस सर, ए पर एक्स की वैल्यू क्या है 0, बी पर एक्स की वैल्यू क्या है 6, ठीक, अब इसमें रखिए और वैल्यू निकालिए, एस एफ ए कितना होगा, ए पर एक्स की वैल्यू 0, 12 आ जाएगा, बी पर एस एफ बी माइनस ट्वेल्व, ठीक है, इक्वेशन कौन सा है, स्ट्रेट लाइन है पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन, ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास कितने बजे है, 10:30, चलिए 12 देखते हैं हम लोग कहाँ पर है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, 1 पॉइंट कहाँ है पे, 12 पे, पता नहीं उधर ही होगा, देखो इधर तो खाली था, इसमें है ही नहीं, पता नहीं सर, आपके पास अभी नहीं है कोई, हां पॉइंट 1 है 12 पे, पॉइंट 2 कहाँ पे, -12 पे, यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर होगा सर, पॉइंट बी पर, पॉइंट बी के लिए -12, ए और बी को मिलाना है, कैसे मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन, ए को बी से मिला दें, कैसे मिलाऊं मैं, मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं चल पाएगा मेरा, एक सेकंड, स्ट्रेट लाइन इसको आप लोग ऐसे सीधा सीधा मिला सकते हो इसको,
तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव नेगेटिव शियर फोर्स एक बार पॉजिटिव आ रहा है एक बार नेगेटिव ठीक है। अब देखो वो हम लोग जो पढ़े थे कल कि कांस्टेंट से क्या होगा वो से क्या होगा, अब ये बताओ शियर फोर्स में और लोड में क्या रिलेशन होता था, डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आता था, आ रहा था yes, sir. आपको ध्यान से देखना इसका मैग्नीट्यूड yes. और मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है और नेगेटिवली है या पॉजिटिवली है, तो इसका स्लोप देखेंगे फिर ठीक है। सर ये dv by dx equal to minus w कहां से लिखा सर, लास्ट क्लास निकाला था सर, ये तो प्लस w था ना सर, ध्यान से देखो पहले पता नहीं सर मेरी कॉपी में तो प्लस w लिखा है, गलत लिखा है ना, तुम्हारी कॉपी में लिखा है ना, अच्छा यस सर dv by dx equals to minus w, ध्यान नहीं इसमें ध्यान नहीं दिया था क्या, माइनस में डेराइव किया था ये तो माइनस डब्ल्यू था कि नहीं, कोई बताएगा माइनस डब्ल्यू था यस सर था ठीक है। तो ये अब आप लोग देखोगे ये लोड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, नीचे नीचे की तरफ जा नीचे नेगेटिव लोड नेगेटिव है ठीक है, नेगेटिव है हेलो लोड नेगेटिव है तो जो शियर फोर्स बना होगा उसका स्लोप नेगेटिव होना चाहिए सारा बात सुनने, लोड कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है, हर जगह देखो हाइट सेम है कांस्टेंट है कांस्टेंट है और नेगेटिव है, कांस्टेंट है और नेगेटिव है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट और नेगेटिव है, जो शियर फोर्स बनाएंगे उसके स्लोप कांस्टेंट और नेगेटिव होना चाहिए ठीक है। शियर फोर्स जो बनाएंगे उसका स्लोप एंड कांस्टेंट और उसका स्लोप कांस्टेंट और नेगेटिव होना चाहिए ठीक है। स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, हर जगह स्लोप थीटा वही है लेकिन थीटा इधर से ले रहे हैं इसलिए ये नेगेटिव हर जगह, एंड क्लॉकवाइज में ले रहे हैं, क्लॉकवाइज में जब एंगल ले रहे हैं 90 से कम वाला मेजर कर रहे हैं हम लोग, 90 से कम का है और ये क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं एंगल को, और हर जगह कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है ना ये, कांस्टेंट स्लोप है और नेगेटिव है ठीक है। इसका वैल्यू और इसका स्लोप एक जैसा होगा, मतलब उसके नेचर कांस्टेंट नेगेटिव और दिस इज इट्स स्लोप इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव। नेक्स्ट चलें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कितना क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन में यहाँ पे रिएक्शन कितना आया है 12 पॉइंट ए पॉइंट बी जी। शियर फोर्स डायग्राम कैसा बना हमारा, थोड़ा सा गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, यहाँ पे कितनी वैल्यू है शियर फोर्स की 12, यहाँ पे भी -12 -12 बीच में जीरो है कैसे निकालोगे, यहाँ तो कहीं जीरो निकाला नहीं, जीरो कैसे पता चल गया, ये तो रखा तो पता चल गया बीच में से जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू पुट कर दो, x की वैल्यू क्या रखोगे 3, x इक्वल टू 3 रखोगे तो बीच में निकल जाएगा वैल्यू, 3 रखोगे तो क्या आएगा जीरो आ जाएगा ठीक है जीरो। हर जगह आपके पास इक्वेशन है ठीक है, अब क्या बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे, अच्छा ये डायग्राम बन गया क्या, एक
पोर्शन कितने हैं? एक ही है, ए बी। इक्वेशन बताइए बेंडिंग मोमेंट का। सेम वही तरीका है, एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन लिया, एक्स एक्स, आपको बताना है एम एक्स एक्स का फॉर्मूला। सिर्फ वही है, यहाँ पे लोड कितना आएगा फिर से? वही ओमेगा एक्स। कितने डिस्टेंस पे? ये कितना डिस्टेंस होगा? आधे पीच में लगेगा ना, तो एक्स बाई टू। बताइए अब मोमेंट बताना है आपको। पहला एक तो लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेफ्ट साइड में एक फोर्स लग रहा है, कौन सा? 12 का। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है एक्स इस एक्स एक्स सेक्शन से? एक्स। और क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इधर की तरफ, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और ऐसा होगा नेगेटिव। नेगेटिव ये साइन कन्वेंशन। तो लेफ्ट समझना सर, नहीं आया समझ में क्या चीज सर? ये अभी आपने जो समझाया था ना, ये समझ कन्वेंशन नहीं, ये 12 है और x है, पता नहीं ये अभी जो आपने ये बनाया तो ये किया ना, ये तो पिछले सिर्फ उस डायग्राम बनाने में भी किया था ना, ये क्या किया था? ये क्या, किस पॉइंट से ले रहे हैं? अभी तुमने ही तो बताया था 4x लगेगा, x by 2 पे लगेगा। हाँ सर, पर अभी वाले क्वेश्चन में वापस दिखा। क्वेश्चन थोड़ी ना है, वही क्वेश्चन है, बेंडिंग मोमेंट बना रहे हैं हम, क्वेश्चन तो वही है। ठीक है सर, ओमेगा x लगेगा ना, ये x डिस्टेंस का यूडीएल का लोड कितना होगा? ओमेगा x, ओमेगा x, ओमेगा कितना है? 4 है, 4 लिखो यहाँ पे, 4x, ठीक है 4x, और बीचों बीच में लगता है, तो यहाँ से x डिस्टेंस ये है, तो x डिस्टेंस का आधा कितना होगा? x by 2 होगा। अब हमें बेंडिंग मोमेंट बताना है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ से निकालना है? ये x x सेक्शन से निकालना है। यहाँ पे एक 12 फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज करेगा, तो क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कितना मोमेंट होगा? 12 इनटू डिस्टेंस कितना है? x। दूसरा फोर्स है 4x का, 4x क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा इसके अबाउट। कितने डिस्टेंस पे है ये? ये तो फोर्स है, इसका मोमेंट लेना हमको, कितने डिस्टेंस पे है ये? x by 2 पे, और लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, माइनस 4x मल्टीप्लाई बाय 4x by 2, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 12x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग a पे वैल्यू और b पे वैल्यू, और बाद में एक जगह बीच में निकाल लेंगे कहीं c पे, ठीक है। c पे ये पॉइंट लिया था हम लोग स्टार्टिंग में, देखा था c भी होगा कोई पॉइंट। सो दिस इज a, दिस इज b। अब आपको ध्यान में देना है स्लोप और मैग्नीट्यूड का। अब उल्टा देखेंगे, अब इसका मैग्नीट्यूड और इसका स्लोप देखेंगे, एक जैसा नेचर होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड और इसका स्लोप नेचर एक जैसा होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा है, और एक बार पॉजिटिव है और एक बार नेगेटिव है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसके स्लोप के साथ होगा वो काम, ठीक है। तो ए पे बताओ, ए पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? ए पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, जीरो। जीरो रखोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा, यस सर। एम एट ए इक्वल्स टू जीरो। बी पर एक्स की वैल्यू क्या है? सिक्स है, तो एम बी निकालो, तो जीरो आएगी, जीरो आएगा, ठीक है। तो सी पे निकाल लो, कहीं हर जगह जीरो जीरो मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन बना दोगे आप लोग, लेकिन पैराबोलिकली मिलाना है, तो बीच में वैल्यू निकाल लो, एक्स इक्वल्स टू थ्री पे, थ्री पे एम सी 18 आएगा सर, आ गया 18, 18, yes, 18, ठीक है। अभी ये पॉइंट वन है, दिस इज पॉइंट टू, दिस इज पॉइंट थ्री। टू क्यों लिखा इसको सी को? क्योंकि बीच में उसके दूसरा पॉइंट सी पे ही होगा ना, सी बी और ए। तो ए पे कितना है? जीरो, वन पॉइंट जीरो। सी पे कितना है? 18 है, 18 कहीं यहाँ पे होगा मान लो, टू पॉइंट। और थ्री पे क्या है? जीरो, थ्री पॉइंट, थ्री पे यहाँ पे आना है। आ रहा समझ में? यस सर। तो ए से बी, ए वन से टू जाना है, कैसे जाऊं मैं? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, क्यूबिक,
पैराबोला पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, फिर से टू से थ्री भी पैराबोला बन सकता है, टू से थ्री ऐसे भी पैराबोला बन सकता है, पैराबोला तो होगा ही, ये तो पता है पैराबोला होगा क्योंकि दो पूरे पोर्शन के लिए इक्वेशन क्या है सेम है, ये पॉइंट मिला है कितने पे 18 पे, 18 है इसका बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे इस पॉइंट पे सी पे, जल्दी बताओ कैसे होगा, कौन सा मानेंगे हम लोग, ऊपर वाला या नीचे, ऊपर वाला ऊपर होगा बताओ जल्दी से, टाइम नहीं है सर, क्योंकि इस पे अपन टेंजेंट्स बना लेते हैं ना सर, तो देखो सर स्लोप कम हो रहा है और पॉजिटिव, तो सर ऊपर वाले से कंपेयर कर सकते हैं, ऊपर वाले से कंपेयर करना, देखो हाँ एग्जैक्टली शियर फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव है, शियर फोर्स पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, स्लोप सॉरी शियर फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है नेगेटिव है, डिक्रीज हो रही है नेगेटिव है, पॉजिटिव और डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है और डिक्रीज हो रही है, हाँ सर पॉजिटिव है और डिक्रीज है, पॉजिटिव है ना इधर शियर फोर्स की वैल्यू, यस सर, और डिक्रीज भी हो रही है ऐसे, तो इसके स्लोप के साथ वही होगा, इसका स्लोप क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, इसका ऊपर वाले का पॉजिटिव तो है और डिक्रीज भी हो रही है, हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है, और इसका क्या हो रहा है इस वाले का पॉजिटिव तो है लेकिन इंक्रीज होता जा रहा है, तो कौन सा एक्सेप्टेबल है, इंक्रीज हो रहा है, ये वाला एक्सेप्टेबल है, डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, तो ये कट आप दोनों बनाओगे, ध्यान रहे दोनों बनाओगे इसको कट करोगे, उसके बाद बी से सी यहाँ से सॉरी टू से थ्री नेगेटिव है और स्लोप डिक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है ना, यस सर, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिवली इंक्रीज मतलब ये है नेगेटिव स्लोप बट इंक्रीज हो रहा है, वर्टिकल होता जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला एक्सेप्टेबल है, yes. तो कल की क्लास से फायदा हो रहा है ये सर, yes, ये वाला काट देंगे आप, मतलब ओवरऑल क्या बनेगा ये बनेगा ऐसा, ठीक है, ये बनेगा जो डार्क में बना हुआ, तो पूरा का पूरा बेंडिंग मोमेंट क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, जल्दी से इसको बनाओ और अटेंडेंस दो और दूसरी क्लास ज्वाइन करो, और सर जब ये एग्जाम में बनेंगे तो भी इसे हम लोग फिर बाद में काट देंगे इसको, यहाँ ये दिखाना ही नहीं, ये तुम्हारे नोटबुक है, ये तुम्हारा नोटबुक और आंसर शीट में अंतर होता है, अटेंडेंस दीजिए और जल्दी से दूसरी क्लास ज्वाइन कीजिए, नोटबुक में और क्लास आंसर शीट में डिफरेंस है, नोटबुक बस तुमको देखना है, आंसर शीट सबको देखना है, ठीक है, चलो थैंक यू, हो गया अटेंडेंस, यस yes.